मैं किचन में आपका स्वागत है। एस्ट्रो वाइन बाय स्नेह वाले चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार। देखिए, आज हम नई चीज़ बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी जी के व्रत चल रहे हैं अभी चातुर्मास में। तो हमने सोचा कुछ व्रत का हो जाए, क्योंकि वैसे तो हम बहुत कुछ चीज़ें बनाते ही रहते हैं, तो लेकिन आज हम व्रत का बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने लिया है थोड़ा सा बॉयल करके ये लौकी, यानी कि हमने एक छोटा पीस यानी कि करीब 250 ग्राम लौकी को हमने कद्दूकस करके और इस तरह से बॉयल करके रख लिया है। साथ में हमने ये ली है, इसमें 2.5 यानी टेबल स्पून जो है ये चीनी है, इसका हमने चाशनी बनाया है और बन रहा है, अभी देखिएगा आप लोग चाशनी। और ये 2 चम्मच क्रीम ली है हमने। तो इसे हमें दो चीज़ें तैयार करनी है, एक तो हमें करना है आलू का हलवा और दूसरा करना है हमें, और 2 चम्मच ही हमें, 2 बड़े टेबल स्पून चाहिए हमें घी, यानी कि अगर देसी घी में ही बनेगा हलवा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो देखिए हम इसमें डालेंगे, ये हमने पैन रख दिया है इसके ऊपर और हम इसमें घी डाल रहे हैं, हमारा गैस ऑन है, ये हमने डाल दिया है इसके अंदर। अब हम इसको भुनेंगे, इसमें डाल करके बाकी को हम इसमें डाल देते हैं सारा, और इसको हम इस तरह से भुना शुरू करते हैं। देखिए अभी तैयार है, उसके बाद हम इसको इसे चलाएँगे तो ये थोड़ा अच्छे से भून जाएगा। तो भूनने के बाद हमें चाहिए थोड़ा सा ये वाला चीनी डालेंगे और इसमें थोड़ी सी चाशनी डालेंगे हम, केवल 2 चम्मच, उसी में हमारा बहुत अच्छा हलवा बन जाएगा। लौकी का हलवा बना रहे थे, पहले हमने आलू का हलवा बनाया है, इसी तरह से सेम प्रोसीजर में दोनों चीज़ें बनती हैं। पहले आलू को आप 2 लेकर के या 4 लेकर, जैसा आपका फैमिली में खर्च है वैसा ले लीजिए, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। और आप उसको मैश कर लीजिए बॉईल करने के बाद, और उसके बाद आप उसको कढ़ाई में इसी तरह भूनिए जैसे मैं इसे भून रही हूँ। पहले 2 चम्मच आप ये डालेंगे घी इसमें, और उसके बाद आप इसमें आलू डाल देंगे, और आलू डालकर आप इसको इस तरह से चलाएंगे जब तक वो हल्का ब्राउन हो जाए, कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दें। देखिए ये भून गया है, तो ये कढ़ाई को छोड़ना शुरू हो गया है। तो इस तरह से ये आपका लौकी का हलवा तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 हमें स्पून चाहिए, तो हम 2 स्पून इसके अंदर हमने क्रीम डाला है। क्रीम आप घर का ले लीजिए, आपके घर में होगा मलाई का आप बना सकते हैं क्रीम, मैंने भी घर में ही बनाया है, ये मलाई का क्रीम है, इससे थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है, ये बिल्कुल खोए का टेस्ट देगा आपको, इसमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आजकल आप बाहर से खोया लाएंगे और टाइम ऐसा चल रहा है कोरोना का, इसलिए आपको विश्वास भी नहीं आएगा। तो हम बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लाते और घर में ही बनाते हैं, अपना ही घी बनाते हैं, और इसी तरह दूध से मलाई निकाल कर और अपना ही इस तरह से क्रीम यूज करते हैं। देखिए अभी जो है कढ़ाई को छोड़ रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और हमने एक तार की चाशनी बनाई है, और ये आपको मैं तार दिखाती हूँ चाशनी का। देखिए ये गर्म है, ये देखिए चाशनी में तार उठ रहा है, एक तार की चाशनी कैमरे में आपको नजर आ रही होगी, देखिए ठीक है, इसलिए आराम से नहीं गिर रही है, धीरे धीरे गिर रही है। देखिए इस तरह से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसमें मैंने इलायची के पत्ते डाल दिए हैं, तो तोड़ने के बाद इलायची आप पीस कर रखिए, क्योंकि आपको लास्ट में हलवे में डालनी है। तो देखिए अब हम इसके अंदर डालते हैं चाशनी को, ये हमारे पत्ते डले हुए इलायची को, ये आपको निकालना थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे कि इसकी ये अच्छे से जाए इसके अंदर और अच्छे से बन जाए। तो देखिए अब थोड़ा सा और डालेंगे हम, जिससे इसमें मीठा भी ज़्यादा ना हो, और हमने दोनों हलवे में यूज़ कर लिया है इसको चाशनी को, पहले हमने उसको आलू के हलवे में यूज़ किया, फिर अब इसमें यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से ये बहुत अच्छा हलवा बन जाएगा, और देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपके सामने प्रस्तुत है ये हलवा, एकदम रेडी है, बस सर्व करने के लिए तैयार हो रहा है। ये गैस हम बंद कर देते हैं ये वाली, अब इसकी गैस भी हम बंद करेंगे, थोड़ा सा और ये ड्राई हो जाए तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। गार्निशिंग के लिए हमने थोड़ा सा लिया है कोकोनट का बुरादा, इस तरह से इसको हमने कोकोनट को क्रश कर लिया है, ये ताज़ा कोकोनट है, और साथ में थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए मेवा लिया है, काजू ये इसका पिस्ते का टुकड़ा है, और साथ में हमने लिया है इलायची का पाउडर। तो हम दोनों ही हलवों में इलायची पाउडर और ये दोनों की गार्निशिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा डालकर, ये ऑप्शनल है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, जो आपको मेवा पसंद है आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार गार्निशिंग आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। देखिए ये हलवा बन चुका है, बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दिया है इसने, देखिए आपको दिख रहा होगा कैमरे में कि इसने कढ़ाई छोड़ दिया है। तो इस तरह से जब ये उसमें मैश हो जाएगा पूरा, फिर हम उसको निकालेंगे बाहर और निकाल कर इसे सर्व करेंगे।
तो हम निकाल लेते हैं बॉल में और गैस को बंद कर देते हैं। देखिए इसने घी छोड़ दिया है, घी अलग हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कैमरे में, इसने घी भी छोड़ दिया है। तो हम इसको इस तरह से कटोरे में कर लेते हैं सर्व। ये देखिए पूरा तैयार है। ये देखिए देखकर का आपको लग रहा होगा बहुत सुंदर देखने में। अब इसके अंदर हम गार्निशिंग करेंगे, थोड़ा सा हम डाल रहे हैं ये मेवा इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए और टेस्ट के लिए भी, और थोड़ा सा इसके ऊपर बुरादा डाल देते हैं हम। ये बुरादा डाल दिया है, ये रेडी है। अब हमारे पास इसी तरह से बनाया हुआ ये है आलू का हलवा, इसमें भी हम ऐसे ही गार्निशिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा ये डाल देंगे, इसके ऊपर से ये लगा देंगे हम। हमने डाली है किशमिश और इसके साथ पिस्ता हमने इस तरह से बीच में लगा दिया है, और इसके साथ हमने डाला है इलायची का पाउडर पीस कर दोनों में। थोड़ा थोड़ा आप पाउडर डाल दीजिए जिससे खुशबू आएगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आपके लिए बिल्कुल प्रस्तुत है। इसका आप टेस्ट लीजिए, बहुत सुंदर है आलू का हलवा, और ये व्रत की थाली है, आप इसे खाइए और एंजॉय कीजिए। तो इस तरह से आपके लक्ष्मी व्रत अष्टमी से अष्टमी तक चलते हैं, और आप अष्टमी से अष्टमी तक इसी तरह बनाकर खा सकते हैं और अपने घर वालों को खिला सकते हैं, दोस्तों को खिला सकते हैं। इस तरह से एंजॉय कीजिए लौकी का हलवा और साथ में आलू का हलवा। नमस्कार।